बड़वानी के समीप बोमे गांव में एक कुएं से तेंदुए का शव बरामद किया गया है। ग्रामीणों से मिली सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कुएं से शव निकालकर उसका पोस्टमार्टम करवाया, जिसके बाद प्रोटोकॉल के तहत मुक्तिधाम में तेंदुए का दाह संस्कार कर दिया गया। डीएफओ ने बताया कि तेंदुए के शरीर पर किसी भी तरह के चोट के निशान नहीं थे, उसकी मौत पानी में डूबने के कारण हुई है। बताया जा रहा है कि गाय का शिकार करते हुए तेंदुआ कुएं में गिर गया था और उसके ऊपर गाय भी कुएं में जा गिरी, जिससे दोनों की डूबने के कारण मौत हो गई। सूचना मिली है कि एक तेंदुआ जो है एक गाय को पकड़ने के क्रम में गाय के साथ ही उस कुएं में गिर गया है। जाकर के उसको देखा गया तो गाय और तेंदुआ दोनों मृत अवस्था में मिले हैं। गाय को निकाल लिया गया था और तेंदुआ को आज निकाला गया है। तेंदुआ का शव फूल के ऊपर आया, उसको देखा गया है। उसके शरीर के सभी बॉडी पार्ट्स, जिसमें कि नाखून, मूंछ और दांत सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, सारे अंग मौके पर पाए गए हैं। किसी भी इस तरह का कोई चिन्ह नहीं मिला है जो अप्राकृतिक हो। फिर उसका विधिवत यहाँ के शासकीय पशु चिकित्सक से पीएम कराया गया है। पीएम कराने उपरांत उसको स्वदाह की कार्रवाई चल रही है। आज एक तेंदुआ मिला है मृत, जिसका पोस्टमार्टम यहाँ पर किया गया है और उसका सैंपल जांच के लिए भेजने के लिए ले लिए गए। जबलपुर भेजी जाएगी हिस्टोपैथोलॉजी के लिए और सागर सैंपल भेजे जाएंगे शासकीय लैबों में। आज ये सूचना मिली है